बिना मैदा बिना गेहूं के आटे से सिर्फ एक कप चावल के आटे से बनाएंगे आज हम क्रिस्पी राइस फ्लोर स्नैक्स। खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो आज की इस नई रेसिपी को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का ये क्रिस्पी करारा नाश्ता। इन स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो लेनी होगी हमें कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1.5 कप पानी। कोई भी कप कटोरी सेट कर ले तो उसी से ही सारा मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ी सी डाल देते हैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा, साबुत वाला जीरा डाला है, और हल्का सा डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक ज़्यादा ना डालें क्योंकि नमक का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच डाल देते हैं हम तेल। तो अब इसको अच्छे से पकने देते हैं जब तक कि पानी में बॉईल ना आ जाए। एक उबाल आ चुका है हमारे पानी में। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा। तो मैंने इसको मिक्सी में ही घर पर ही ग्राइंड किया है और छलनी से अच्छे से इसको छान लिया है। उबाल आने के बाद फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम आटा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मोटी मोटी सी जल्दी से गांठें बनने लगती है। अगर पानी बहुत ज़्यादा तेज गर्म होगा और उसमें आप इस आटे को डालेंगे तो इसमें बहुत मोटी मोटी गांठें बनने लगती हैं। तो हम इस स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आटा इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से, है ना। फ्लेम को मैंने यहाँ पे अभी बंद ही रखा है। आप देखेंगे कि जो ये हमारा आटा है धीरे धीरे से फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं, लेकिन एकदम लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। इसका जो भी पानी है इसको एकदम सुखाना है, एकदम ड्राई कर लेना है इस आटे को हमें, जब तक कि एकदम डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे एकदम लो फ्लेम पे। चावल का आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और एकदम डो की फॉर्म में ये तैयार है। तो एकदम सॉफ्ट आटा हमारा बनके तैयार है। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। काफ़ी थिक सा हो गया है ये। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबले हुए आलू। तो 2 आलू को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया था, कोई भी टुकड़ा आलू का इसमें नहीं है। तो आलू को कद्दूकस जरूर कर लें एक बार, तभी आपके ये स्नैक्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इन सभी को कर लेंगे मिक्स। एकदम जैसे हम सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही हमें सभी को मिक्स कर लेना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। आप इसको जैसे जैसे मथेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट डो की तरह बन जाएगा। तो लीजिए, मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई भी टुकड़ा यहाँ पे आलू का बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट डो बनके रेडी है। तो ऐसा ही डो चाहिए हमें। तो अब इसको मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब कोई भी फ्लैट जगह ले ले या फिर चॉपिंग बोर्ड। तो इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब एक पेड़े को हम उठाएंगे, इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसको हम बेलेंगे। थोड़ा सा ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया है इसके ऊपर, ताकि हम जब इसको बेलें तो ये चिपके ना बिल्कुल भी। तो हमें रोटी की तरह इसको बेल लेना है। मेरा चॉपिंग बोर्ड काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप चाहें तो इसमें 4-5 पेड़े भी बना सकते हैं छोटे छोटे साइज में, और उसको चकले बेलन पर भी आराम से बेल लें इस तरीके से। तो इसके बाद ले लेंगे यहाँ पे कुकीज़ कटर। तो मेरी हार्ट शेप में मेरे पास कुकीज़ कटर है, तो इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी ढक्कन ले लें, या फिर गोल शेप में आपके पास अगर कुकीज़ कटर है तो उससे आप इसको कट करें। मैंने यहाँ पे इन स्नैक्स को अच्छा लुक देने के लिए हार्ट शेप का कुकीज़ कटर लिया है। आप इसको छोटे साइज के ग्लास से या फिर छोटे साइज की कोई कटोरी हो जिसके किनारे काफ़ी तेज हो तो उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं।
तो बहुत ही इजीली ये निकल जाते हैं। तो बारी बारी से हम सभी आटे के इसी तरीके से कट करके रख लेंगे अपने हार्ट शेप। और मैंने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इनको मोटा नहीं पेला है यहाँ पे आटे को, और ना ज़्यादा पतला। तो आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। और जो बाकी का हमारा ये किनारे वाला पार्ट है ना, तो इसको हम इकट्ठा करेंगे और फिर से हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे, और फिर से हम इसको रोटी की शेप में ही दोबारा से बेल लेंगे इस तरीके से। और देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़े से मैंने कितनी सारी हार्ट शेप निकाल ली है। तो जो हमारा बाकी का आटा है उसकी भी सेम हम ऐसे ही बना के तैयार करेंगे अपनी हार्ट शेप। तो चलिए इनको भी फटाफट से बेल लेते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये आटा हमारा चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसके अंदर आलू है और जो ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये थोड़ा चिपकता है। तेल लगाने से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आपको लगे कि आटा हमारा काफ़ी ये पतला है और ये ज़्यादा चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं और अपनी हार्ट शेप बना के रेडी कर लें इस तरीके से। तो चलिए सभी की मैंने हार्ट शेप बना ली है, अब इनको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स, तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ एक बार में। जितनी आसानी से हमारी सभी हार्ट शेप स्नैक्स आ जाएंगे तो उतने ही डालेंगे। और ध्यान से कि जब हम इनको फ्राई करें तो फ्लेम एकदम हाई रहना चाहिए, तेल हमारा एकदम तेज गर्म रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी ये हार्ट शेप टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो जब ये हल्की सी सुनहरी हो जाएंगी तो तभी हम इनको पलटेंगे, और देख सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर की साइड सभी तैरने लगी है, कितनी हल्की हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं स्पून की हेल्प से इनको सभी को पलटूंगी और एकदम क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। तेल के अंदर डालते ही इनको तुरंत ना उल्टे पलटे, जब हल्की सी एक साइड से सुनहरी हो जाए तो उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे, और क्रिस्पी होने तक इनको अलट पलट के दोनों साइड से हम फ्राई कर लेंगे। सच में फ्रेंड्स, बच्चों को आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि स्नैक्स उनके फेवरेट होते हैं ना, तो क्रिस्पी क्रिस्पी स्नैक्स बहुत ज़्यादा उनको मज़ेदार लगते हैं। तो घर पर ही बना के दें, बाजार से ला के तो बिल्कुल ना दें। अगर ज़्यादा चटपटे स्पाइसी स्नैक्स पसंद है आपके बच्चे को, तो इनको फ्राई करने के बाद आप इनके ऊपर थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, इनको एकदम चटपटा बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारे सभी हार्ट शेप यहाँ पे एकदम क्रिस्पी करारे हो चुके हैं। तो चलिए अब जो हमारी बाकी की हार्ट शेप है उनको भी सेम ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को एकदम तेज गर्म रखें, अगर ठंडा तेल होगा तो ये डालते ही तुरंत टूट जाएंगी आपकी हार्ट शेप। तो चलिए, मैंने बारी बारी से सभी को फ्राई कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी करारा हमारा आज का ये राइस स्नैक्स तैयार है बनके। कितने कम खर्च में और कितने कम सामान में हमने बहुत ही आसान तरीके से इन स्नैक्स को बनाया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है जो आपके बच्चों को नुकसान दे। तो एक बार तोड़ लेते हैं तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे। तो अगर ये आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।